ये ब्लॉग तो मैं बना लिया दोस्तों, लेकिन मुझे खुद ही नहीं पता है कि ये अच्छा ब्लॉग है या फिर बकवास ब्लॉग है। आप खुद ही देख लो और आप लास्ट में जाकर कमेंट बॉक्स पे बता देना कि ब्लॉग अच्छा बना है या फिर बकवास बना है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। कैसे हो सभी लोग? बढ़िया, मैं भी बहुत बढ़िया। भाई यहाँ पे मेरे गाल में आप देख सकते हो पिंपल टाइप का था, तो भाई उसको मैं ऐसे दबा दिया तो भाई वो थोड़ा सा फूल गया है, बड़ा अजीब दिख रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हो भाई सनराइज हो रहा है और किस तरीके से दिख रहा है, आपको सनराइज भी दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, भाई बहुत ही लाजवाब दिख रहा है, इसलिए मैं सोचा कि आपको ये दिखाने लायक है, इसलिए भाई आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे सारे के सारे आप खेत में देख सकते हो धान वगैरह की खेती किया गया है, और कितना खूबसूरत दिख रहा है पूरा व्यू। आप चाहते हो सिनेमैटिक शॉट देखना, तो देखो ये सिनेमैटिक शॉट। दोस्तों जैसे ही मैं सिनेमैटिक शॉट लेना चालू कर दिया, आप देख सकते हो सूरज को बादल ने ढक लिया पूरी तरह से, और जिस तरीके से व्यू आ रहा था वो अभी इस तरीके से नहीं आ पा रहा है। और उस टाइम पे किस तरीके से व्यू आ रहा था और अभी किस तरीके से व्यू आ रहा है आप देख सकते हो। सुबह का समय और दूर से संगीत की आवाज आ रहा था, और क्या बताऊं दोस्तों, ये फीलिंग कुछ अलग था। देखिए यहाँ पे मेरा प्यारा साइकिल खड़ा है, तो चलिए इसको लेकर अभी चलते हैं। मुझे अभी साइकिल पे और थोड़ा सा घूमने का मन कर रहा है, तो चलिए घूमने चलते हैं। इसके बाद मैं अपना साइकिल को लेकर हाईवे की तरफ निकल पड़ता हूँ। दोस्तों मैं अभी आके हाईवे में पहुंच चुका हूँ, बिल्कुल सही टाइम पे आए। आप देख सकते हो वहां पे ट्रेन जा रहा है और व्यू कितना जबरदस्त दिख रहा है। ट्रेन को देख के मुझे लगता है कि पास में रेलवे स्टेशन पे जाके थोड़ा सा ब्लॉग बनाने के लिए, लेकिन प्रॉब्लम ये था कि मेरे फोन पे बचा था और मात्र 8% चार्ज। क्या मैं इस वीडियो में आपको रेलवे स्टेशन दिखा पाऊंगा या नहीं, वो आपको आगे दिख जाएगा। फाइनली दोस्तों इतना मेहनत के बाद मैं आके रेलवे स्टेशन में पहुंच चुका हूं, और यहां पे देख सकते हैं ट्रेन रखा गया है। ये शायद ये ट्रेन जाता नहीं है कहीं पे, और दूसरे साइड आप देख सकते हो वहां पे लोग बैठे हुए हैं वेट कर रहे हैं अपना दूसरा ट्रेन का। तो चलिए इस स्टेशन का नाम भी आपको जाके दिखाता हूँ वहाँ पे बोर्ड पे। यहाँ पे देखिए दोस्तों स्टेशन का नाम है माणिकागोड़ा, वो सामने आप देख सकते हो वहाँ पे लोग वेट कर रहे हैं अपना ट्रेन के लिए। दोस्तों मैं आपसे माफी चाहूंगा क्योंकि इस स्टेशन का ज्यादा से ज्यादा वीडियो फुटेज मैं आपको और नहीं दिखा पाऊंगा, क्योंकि भाई 5% से नीचे चार्ज हो गया है, और 5% से जब इस फोन पे चार्ज हो जाता है तो ये जल्दी जल्दी ड्रेन होता है, तो इसलिए मुझे अभी फोन को रखना पड़ेगा। और बाकी दोस्तों आज के दिन में और क्या क्या होता है वो आगे की वीडियो फुटेज में आपको दिखने वाला है, तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। अभी घर में जाके इसको पहले चार्ज करूंगा, उसके बाद वीडियो बनाना फिर से चालू कर दूंगा। फिर मैं सोचता हूँ कि चार्ज खत्म होने तक स्टेशन का और थोड़ा वीडियो बना लेता हूँ, और थोड़ा ही वीडियो बनाता हूँ कि चार्ज हो जाता है। कल रेलवे स्टेशन पे वीडियो बनाते बनाते चार्ज खत्म हो गया था, और घर में आके मैं और वीडियो नहीं बना पाया था, इसीलिए आज से मैं वही ब्लॉग को कंटिन्यू कर रहा हूँ। कल की तरह आज भी मैं ए रोड पे थोड़ा सा चलने के लिए आ गया हूँ, और आप देख सकते हैं कल के मुकाबले आज थोड़ा सा ज्यादा धूप खिला है। दोस्तों मैं अभी थोड़ा सा ग्राउंड में जा रहा हूँ थोड़ा सा रनिंग वगैरह करने के लिए, और ग्राउंड हमारे घर से लगभग 10-12 किलोमीटर दूर है, क्योंकि ग्राउंड अपना सिटी नयागढ़ में है और नयागढ़ हमारे घर से लगभग 10 किलोमीटर दूर है, और वहां से भी 1-2 किलोमीटर दूर है ग्राउंड। मैं बहुत दिनों से मोटो ब्लॉग बनाया नहीं था, और आज सिटी में जा रहा हूं तो मैं सोचा कि गोप्रो को लगा ही लेता हूं अपने हेलमेट पर और चालू कर देता हूं मोटो व्लॉग थोड़ा सा। अब टाइम सुबह के 8:15 या फिर 8:20 हुआ होगा, और काफी ज्यादा धूप हो गया है आज। नॉर्मली बारिश के मौसम में इतना ज्यादा धूप नहीं होता है, लेकिन आज बहुत ज्यादा धूप खिला है। यहाँ पे देखो शिव भगवान के कितना प्यारा मंदिर बनाया गया है, भाई रोड में देखो कितना बड़ा गड्ढा हो रखा है। अभी मैं आके पहुंच चुका हूँ अपना सिटी नयागढ़ में, और ग्राउंड यहाँ से अभी भी थोड़ा दूर है, और आप देख सकते कितना भीड़ है सुबह सुबह। तो नॉर्मली सिटी में तो सुबह सुबह भीड़ रहता ही है, तो कोई नहीं हम अपना काम करने चलते। ए भाई देखो देखो किस तरीके से स्कूटी चला के गया वो बंदा, ए देखो भाई ट्रक में किस तरीके का लोड करके लेके आ रहा है, तो भाई खतरनाक। हेलो भाई, कैमरे की तरफ देख के हाय करके चले गए। फाइनली गाइस मैं आके ग्राउंड के पास पहुंच चुका हूँ, मैं होटल लाया था तो इसको लेके अभी अंदर की तरफ चलते हैं ग्राउंड के। ये रहा ग्राउंड, वो सामने देखो ग्राउंड में शायद कुछ फंक्शन वगैरह चल रहा है, तो इसलिए डेकोरेट किया गया है कितने तगड़े तरीके से, और यहाँ पे ही हम प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा बहुत रनिंग वगैरह करेंगे, उसके बाद घर वापस चलेंगे। आज था टीचर्स डे, और मैं आपको हैप्पी टीचर्स डे बोलना भूल गया था, इसलिए अभी बोल देता हूँ हैप्पी टीचर्स डे दोस्तों।
तो गाइस अभी थोड़ी देर पहले ही मेरा ग्राउंड वर्कआउट खत्म हुआ है और हालत के बारे में मत पूछो क्योंकि भाई हालत बहुत ही बुरा हो गया है, बहुत ही टाइट हो गया है। ऑलमोस्ट 2-2.5 घंटे तक मैं ग्राउंड ट्रेनिंग किया, धूप इतना ज्यादा है कि क्या ही बताऊं आपको। मैं डायरेक्ट भाई बाइक लेकर निकल पड़ा हूं घर के तरफ क्योंकि अभी मुझे जाके थोड़ा सा व्हे प्रोटीन वगैरह पीना है और खाना खाना है क्योंकि समय अभी बहुत लेट हो चुका है। तो अभी गाइस यहां से पहले शॉर्टकट मारते हैं, जितना जल्दी हो सकता है मुझे घर में जाना है क्योंकि भाई नहाना है और कुछ खाना है, बहुत भूख लगा है। उसके बाद आके मैं अपने गांव में पहुंच जाता हूं। यहीं पे आप सोच रहे होंगे कि कहानी यहीं पे खत्म होता है, नहीं दोस्तों अभी भी कहानी थोड़ा सा बाकी है। भाई ये जो वीडियो आप देख रहे हो ये भी नेक्स्ट दिन ही बन रहा है, यानी कि 3 दिनों से मैं यही ब्लॉग को बना रहा हूँ, आज तक क्लोज नहीं किया हूँ। तो अभी भी ऑलमोस्ट दिन खत्म होने वाला है। तो भाई कल आया था मैं गाड़ी लेके, उसके बाद थोड़ा बिजी हो गया, इसके वजह से वीडियो को क्लोज नहीं कर पाया या फिर और कुछ भी ब्लॉग में बना नहीं पाया। तो आज सोच रहा हूँ कि भाई इस ब्लॉग को यहीं पे ही एंड करता हूँ। क्या बना है मुझे भी आइडिया नहीं है, अच्छा बना है बुरा बना है वो तो भाई एडिटिंग के बाद ही पता लगने वाला है। मैं अपलोड करूँगा श्योर इसको एडिट करके, देखते हैं कैसा बनता है। बाकी अगर आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर कमेंट कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर देना लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।